हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूपीएससी के पुराने वर्षों के मेंस पेपर डिस्कशन में। तो दोस्तों, इस डिस्कशन के तहत आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं वर्ष 2017 का GS2 का डिस्कशन। ये भी दूसरा भाग है, एक भाग हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं जिसमें सवाल नंबर 6 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। हर सवाल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसका कंटेंट तैयार करना है और कैसे एक अच्छा आंसर बनाना है, ये हमने अपने पुराने लेक्चर्स में सीखा है। आप अगर अभी अभी नए हैं और आपने अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ लेक्चर देखिए और इस अप्रोच को सीखें। अगर आपको इस लेक्चर सीरीज़ की PDF की ज़रूरत हो तो हम आपको फ्री में शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसी नाम से है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस। आप उसे ज्वाइन करें और हमारे जो भी फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं उनका लाभ उठाएं। उसके अलावा अगर कोई नोटिफिकेशन आप मिस कर देते हैं YouTube पे, तो आपको हम यहाँ पे वो नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करिए और इससे जुड़ी सभी चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ सवाल नंबर 6 तक डिस्कस किए, आज मैं सवाल नंबर 7 और उसके आगे के सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। भाई, ये है जो एक एक्ट से डील करता है। एक्ट है कौन सी? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। जो भी लोग हैं जिनको कुछ डिसेबिलिटी है, उनके क्या अधिकार हैं, उसको बताने के लिए ये एक्ट लाया गया 2016 में, जिसने एक 1995 का सेम एक्ट था उसको रिप्लेस करा। भाई, बात ये थी, जो ये एक्ट था इसका स्कोप बहुत लिमिटेड था। इसमें डिसेबिलिटी सिर्फ 7 ही कवर्ड थी। इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो, अगर आपको आपके बचपन से आपको कोई इस तरीके की समस्या है तो ही आप कवर्ड थे, उसके अलावा आपके अधिकारों को नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो एक्ट आया, इसका स्कोप बहुत वाइड है। इसमें 21 डिसेबिलिटी हमने कवर की हैं, इसमें हमने साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी कवर की हैं, इसके अलावा हमने सोशल भी कवर की हैं। सोशल से मेरा मतलब है, आप समझिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंका गया हो तो वो जो एसिड का अटैक्ड विक्टिम है, जो वो पीड़ित है, अब उसको भी इन 21 के अंदर ही गिना जाएगा। उसको भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो बाकी 21 डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों को मिलते हैं। तो इसीलिए इसका स्कोप और बड़ा हो गया और लोगों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई। इनका भाई जो मेन एम था वो था, कैसे करके लोगों का सशक्तिकरण किया जाए, कैसे समावेशन किया जाए कि वो लोग आज जो हमारी मेन स्ट्रीम है उस पर आ सकें, सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ये था इस एक्ट का मेन इंटेंशन। अब सवाल आपसे पूछता है, ये जो एक्ट है ये दो चीज़ों के लिए था, एक है सशक्तिकरण और एक है समावेशन। तो क्या ये जो एक्ट है ये इन दोनों चीज़ों से अच्छे से डील करता है? क्या ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है? आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो आपका कीवर्ड हो गया डिस्कस, आप विस्तार में बात करें, अलग अलग फीचर्स लेके बात करें, लेकिन स्पेसिफिक और सटीक भी रहें। उसके अलावा क्वेश्चन को मैं दो भागों में तोड़ पाता हूँ। देखिए, पहला है ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और दूसरी बात है इसका एम था सशक्तिकरण, इसका एम था समावेशन। क्या ये इस एम तक पहुँच पाया है, ये आपको बताना है। अप्रोच इसकी रहेगी, शुरुआत आप करें एक्ट के बारे में बता के कि भाई ये एक्ट क्या है, ये 1995 के एक्ट को रिप्लेस करके आया था, ये बताएं। उसके बाद एक UN का क्लॉज है जिसके तहत हम लोग सिग्नेटरी हैं और उसी के अंडर हम लोग ये नई चीज़ लाए थे जो ये एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो आपको ये बैकग्राउंड पूरा बताना है, ये UN का कन्वेंशन बताना है और इस उसी कन्वेंशन के तहत ये जो हम एक्ट लाए हैं इसके बारे में बताना है। उसके अलावा आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो नया एक्ट है वो भाई सोशल वेलफेयर पे फोकस नहीं करता, बल्कि वो फोकस करता है सोशल इक्वालिटी पे। ये नया एक्ट कहता है कि भाई सहानुभूति ना दें, आप उनको सशक्त बनाएं, आप उनको इक्वालिटी दें, उनको सम्मान दें, उनको बराबरी का दर्जा दें। तो इस तरीके से जो नया एक्ट है इसका स्कोप बढ़ गया है, इसमें चीज़ें बढ़ गई हैं, नया एक नज़रिया मिला है इसको देखने का। तो इस सब के बारे में आप जिक्र करें, सेलियंट फीचर लिखें, और कुछ इस एक्ट में अभी भी क्रिटिसिज्म है, कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक समस्या से पीड़ित है तो अभी भी उसको कंसिडर नहीं किया गया है डिसेबिलिटी के अंदर। और फाइनली एक होपफुल नोट पे इसको ख़त्म करें। तो देखिए मैंने शुरू कैसे किया है, मैंने बताया है संयुक्त राष्ट्र का वो कन्वेंशन जो है राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी
जिसका इंडिया सिग्नेटरी है और उसी के तहत इंडिया लाया था 1995 का एक्ट, और उसी के तहत आया है अब हमारा 2016 का एक्ट। जो नया एक्ट है वो दिव्यांग नाम देता है सभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। उसके अलावा ये एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है जिसके तहत आप सशक्तिकरण कर पाएंगे, जिसके तहत आप इनका समावेशन कर पाएंगे आज के समाज में। तो ये एक्ट पुराने वाले एक्ट से ब्रॉड है, ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करता है। अब मैं सेलियंट फीचर बताता हूँ। देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी का वो डायनेमिक हो गया है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल ना रह के वो सोशियोलॉजिकल भी हो गया है। अगर आप एसिड अटैक के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, तो आप भी अब इस 21 डिसेबिलिटी के तहत क्लेम कर सकते हैं अपने अधिकारों को। उसके अलावा डिसेबिलिटी 7 से 21 कर दी गई हैं। सरकार के पास ये हक है कि वो चाहे तो डिसेबिलिटी और भी बढ़ा सकती है, 25, 30 कहीं तक भी पहुंचा सकती है। स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं। स्पेशल कोर्ट का क्या मतलब होता है, देखिए, अगर किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ उसका स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि अगर उस मुद्दे से रिलेटेड कोई भी विवाद उठे तो इस कोर्ट में जाएं और जल्दी से जल्दी इसका हल निकल सके, मतलब जो प्रोसीडिंग है वो फटाफट हो सके। वरना आप जानते हैं हमारे जो बाकी कोर्ट्स हैं भारत में उसमें कितने कितने टाइम तक को जो केसेस हैं वो पेंडिंग होते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं इनका बेसिक काम ही ये होता है कि 6 महीने या साल भर में तुमको किसी ना किसी केस को ज़रूर से बिल्कुल सॉल्व कर देना है और उसका फाइनल जजमेंट दे देना है। तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए, यानी कि इससे संबंधित कोई भी विवाद जल्दी से जल्दी और सबसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। उसके अलावा सरकार को अथॉरिटी दी गई कि आप चाहें तो और भी डिसेबिलिटी को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स दिए गए, जैसे कि रिजर्वेशन। पुराने वाले एक्ट में ये रिजर्वेशन सीमित था सिर्फ शिक्षा तक और सरकारी नौकरियों तक, पर अभी आपको ये और भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि जब ज़मीन का एलोकेशन होता है, जब कोई गरीबी हटाने की स्कीम्स आती हैं तो उसमें भी आपको स्पेशल आप पे ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है जिसको एक सीमा तक डिसेबिलिटी है और वो एज ग्रुप में पढ़ता है 6 से 18 के, तो उसको मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके अलावा एक एक्सेसिबल कैंपेन होती है। एक्सेसिबल कैंपेन मतलब कि भारत को आपको एक्सेसिबल बनाना है हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति जो भारत में वास करता है वो हर एक बिल्डिंग में जा पाए, आराम से चढ़ पाए, किसी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है प्रॉब्लम्स ना आए। अब देखिए, मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग में, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इसमें जो है सीढ़ियाँ हैं ऐसी। अब अगर किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी हो और वो व्हील चेयर पर हो तो वो इसमें कैसे चढ़ पाएगा, उसके लिए समस्या हो गई। तो ये बिल्डिंग तो उसके लिए एक्सेसिबल रही ही नहीं। इसी के तहत, इसी को सॉल्व करने के लिए हमने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया। हमने कहा हर एक कम से कम पब्लिक बिल्डिंग में तो, और आपको क्या करना है, आपको प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है और इस प्लेटफॉर्म से ये व्यक्ति जो व्हील चेयर पर है वो आराम से इसके ऊपर जा पाएगा और इसके लिए बिल्डिंग एक्सेसिबल हो पाएगी। देखिए, हमने एक्सेसिबल इंडिया के तहत भारत को एक्सेसिबल बनाया। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को रोकती हैं कोई चीज़ें एक्सेस करने से, उनको हमने हटाया और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही बिल्डिंग में अब लागू किया गया और टाइम फ्रेम के अंदर अंदर करना था, ये बताया इस वाले एक्ट ने। उसके अलावा कुछ सरकारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसीज निकाली तो उनके रिजर्वेशन जो हैं वो बढ़ा दिए गए 3 से 4%। नए वाले एक्ट जो है उनके अधिकारों को, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके अधिकारों को अच्छे से ध्यान में रखता है और उनको सभी वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है जिससे उनका समावेशन हो पाए, जिससे उनका सशक्तिकरण हो पाए, और इसलिए ये एक्ट पुराने वाले से बहुत बेहतर है। हालांकि इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि जो भी आदमी ऐसी मानसिक अवस्था में है जिससे वो परेशान है, उस पे आसपास के लोग परेशान हैं, तो उसको हमने इस 21 बीमारियों में कंसिडर नहीं किया है। और उसके अलावा ये बात ही नहीं की गई है कि इन सब फैक्टर्स को लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नो इफेक्टिव गाइडलाइन हैज़ बीन एस्टैब्लिश जिसके तहत पैसा अलोकेट किया जा सके। तो ये दो समस्याएं हैं। कंक्लूड अपन इसको इस पे करेंगे कि भाई हालांकि कुछ इसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एज अ आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट जिसमें ये सोशल वेलफेयर से
पूरी चीज़ शिफ्ट कर रहा है सोशल इक्वालिटी की तरफ, ये बहुत सराहनीय स्टेप है। तो ये आपने इस क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से डील किया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये जो सवाल है ये आपका हंगर और पॉवर्टी से डील करता है, भूख और गरीबी। कह रहा है ये दो चीज़ें भारत में सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं आपके गुड गवर्नेंस की राह में। तो इसीलिए आपको ये बताना है कितने हद तक जो अलग अलग सरकारें आई हैं उन्होंने इस इन दोनों समस्याओं से लड़ने में काम किया है। उसके अलावा अगर वो कहीं फेल हुए हैं तो आप कुछ बताइए कैसे करके इन चीज़ों से लड़ा जा सकता है। देखिए ये भी 150 वर्ड का है। हमने पहले अपने GS1 में बात की थी कि 2017 में नया ट्रेंड देखा गया। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपके जो हुए वो है 150 वर्ड्स के और 10 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आपके हो गए 250 वर्ड के और उसी में आपको मिले 15 मार्क्स। तो अब आपके 12.5 नंबर वाली स्ट्रैटेजी शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गई 10 और 15 में। तो जो 150 वर्ड के होते हैं क्वेश्चन उनको आपको 110 से 120 वर्ड में ही ख़त्म करना है। बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड ना करें लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे उन्हीं को इंक्लूड करें। तो आइए सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इवैल्यूएट है कीवर्ड। इवैल्यूएट मतलब क्या करना है, आपको अपना खुद का आइडिया लेके आना है। क्या आपके हिसाब से जो हंगर है, जो पॉवर्टी है हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहा है, वो इतने बड़ी समस्याएं हैं? आप अगर हैं तो आप उसके बारे में बात करें। फिर ये कह रहा है कि एक के बाद एक जो सरकारें आईं वो इस पर अच्छा काम नहीं कर पाईं, या इन्होंने जो भी काम किया उसमें कहीं कमी रह गई। तो क्या ये बात सही है? अगर है तो यहाँ पर एविडेंस से इसको बैक करिए। एविडेंस से कैसे बैक करेंगे? अगर आपके पास कोई डेटा हो, कोई स्कीम्स हो यहाँ पे, तो उन स्कीम्स को लिखिए, उसका आउटकम लिखिए, उससे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन को तोड़ने की। तो दो भागों में टूट के सामने आता है। एक तो ये जो हंगर पॉवर्टी है, कैसे सरकारों ने इस पे काम किया, उसके अलावा आप खुद बताइए कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड शुरू करें, आप बैकग्राउंड दें, उसके बाद रैंक बताएं। देखिए यहाँ पे क्या, आप कोई भी इंडेक्स पकड़ लें। मैंने जैसे कि यहाँ पे लिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो आप कोई भी इंडेक्स पकड़ लें जो पॉवर्टी और हंगर दोनों की बात करता है, उसके डेटा उठाएं और उसके आधार पर ये बताएं कि भारत आज कहाँ स्टैंड करता है। जैसे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, इसमें भारत की जो स्कोर है वो है 31.3, यानी कि बहुत कम, और इसी वजह से हमको सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। हमारे जो भारत में हंगर है, जो पॉवर्टी है, वो बहुत सीरियस लेवल पे है, बहुत चिंताजनक लेवल पे है। उसके अलावा यहाँ पे एक और फैक्टर उठाया गया, वेस्टिंग ऑफ चाइल्ड। देखिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक होता है स्टंटिंग और एक होता है वेस्टिंग। ये दोनों ही टर्म्स से आपका बहुत सामना होगा अगर आप सोशियोलॉजी में हेल्थ और पॉवर्टी या फिर फूड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को डील कर रहे हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड किसी चीज़ को डील कर रहे हैं। ये दोनों टर्म्स आपके सामने आएंगी। अब समझते हैं स्टंटिंग क्या है और वेस्टिंग क्या है और वो यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टंटिंग क्या होती है, ये होती है हाइट फॉर एज। इसका मतलब अगर मेरी उम्र 20 साल हो गई है और उस हिसाब से मेरी जो हाइट है वो सिर्फ 4.5 फिट है, तो इसका मतलब बहुत कम है, मेरी ज़्यादा होनी चाहिए थी हाइट। ये जो है ये स्टंटिंग में गिना जाएगा, या फिर अगर इससे कम है तो और स्टंटिंग होगी। स्टंटिंग मतलब आपको इतना पोषण नहीं मिल पाया जिस वजह से आपकी हाइट ग्रो नहीं कर पाई। आपकी एज तो बढ़ रही है पर आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है, बॉडी की ग्रोथ रुक गई है। और रुकी क्यों है? क्योंकि हमको भरपूर पोषण नहीं मिला। पोषण क्यों नहीं मिला? क्योंकि पॉवर्टी थी, तो हमारे पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से हम हंग्री रहे, हमको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से स्टंटिंग आज हमारे देश में प्रेवलेंट है। और वहीं वेस्टिंग अगर मैं बात करूं तो वेस्टिंग है आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है। देखिए वेस्टिंग W और वेट W, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो जो मान लीजिए अगर मेरी हाइट 6 फुट है और उस हिसाब से मेरा वज़न 40 किलो है, तो इसके हिसाब से मैं बहुत कमज़ोर हूं। और ऐसे जो है दिखता है कि आगे जा के अगर मैं लेबर फोर्स में अपना नाम लिखवाऊँ, मैं कुछ काम अच्छा करना चाहूँ, मजदूरी करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। तो ये समस्या होती है, एक लेबर फोर्स इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है आगे जाके। अगर शुरुआत में बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे जाके जब वो लेबर फोर्स में अपना नाम शामिल करते हैं तब उनको बहुत समस्या फेस करनी पड़ती है। ये स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों ही भारत में अच्छे लेवल पे है। क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इनफ
अच्छा न्यूट्रिशन देने का पैसा नहीं जुट पाता, जिससे कि बच्चों को जो मिलता है वो खाते हैं, और हल्का फुल्का खा के अच्छे से पोषण ग्रहण ना करके वो या तो बौने रह जाते हैं या फिर कमज़ोर रह जाते हैं। तो ये है दो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे ज़रूरी थे। अब देखिए, मैंने पकड़ा है यहाँ पे वेस्टिंग, और वेस्टिंग की बात ये है कि अगर मैं भारत की बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेविलेंट कंडीशन है पूरे विश्व भर में, भारत में। और उसके अलावा अगर सिर्फ साउथ एशिया की बात करें आप, तो भाई भारत इस साउथ एशिया में नंबर वन पे है जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा छोटे लोग हैं, हाइट उनकी अच्छी नहीं है, बौने लोग हैं। और अगर इसी को परसेंटेज टर्म्स में लिखें तो दोस्तों 21% है ये रेशियो, जो बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। तो एक समस्या है, और इसके जो दो मेन कारण हैं वो है हंगर और पॉवर्टी। तो इस तरीके से आपने क्या चीज़ें आपस में रिलेट करी। अब अपन देखते हैं और आगे क्वेश्चन बॉडी में आपको बात करनी है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कैसे काम किया, इसमें क्या करें। एक मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, आप सन लें अलग अलग ईयर, 1960, 1970, 1980, 1990। मान लीजिए जैसे आपने 4 साल ले लिए, उन सालों में कौन सी सरकार थी, उसने क्या काम किया और वो कितना हद तक कामयाब रही, ये बताएं। हर एक साल का ऐसे करें तो इससे क्या सक्सेसिव गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन आपका आसानी से टैकल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फिर आखिरी में एग्जाम्पल लिया है एमजी नरेगा का, जो कि 2006 का एक एक्ट था, और उसके तहत इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी घटी, कि मैंने उसको यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक माना है। फाइनली मैंने कंक्लूड किया एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे, कुछ समस्याओं का वर्णन किया और उसके साथ सजेशन दी कि कैसे उन समस्याओं से निजात पाया जाए। तो देखिए, मैंने शुरू किया इंट्रोडक्शन में, मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, और ये जो प्रोग्राम था ये शुरुआत थी, ये नींव थी जो हमारा पॉवर्टी है और जो हमारा हंगर है उसको कम करने का, जहाँ से शुरू हुई बात वो था ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इंडिया में उसके बाद काफ़ी सरकारें आईं, लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं इन दोनों चीज़ों को कम करने की, लेकिन हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, अभी भी बहुत कुछ है जो हमारा बचा है अचीव करने के लिए। फिर मैंने 2018 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स का यहाँ पर जिक्र किया है। देखिए, 2018 का है तो आप अपने पेपर में बेहिचक इसको इस्तेमाल करें, कंटेम्प्रेरी फैक्ट है ये, तो ये आपके अभी भी काम आएगा। इसमें इंडिया की रैंक 103 है 119 कंट्रीज़ में से, तो समझ लीजिए हम कितना पीछे हैं। 119 टोटल कंट्री है, हम लोग 103 पे कहीं हैं हेल्थ और हंगर पॉवर्टी इन चीज़ों में, तो ये समस्या की बात है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कैसे अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग सरकारों ने इसे टैकल किया। शुरू मैंने किया है 1960 और 70 से, वहाँ पर कुछ स्कीम्स लॉन्च की, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि 20 पॉइंट प्रोग्राम, जैसे CDS, गरीबी हटाओ का एक स्लोगन आया। उसके अलावा हम सब्सिडी देना शुरू कर दिया हमने एग्रीकल्चर में, फूड फॉर वर्क प्लान आया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे। उसी समय एक और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई, जो भी शहरों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने के लिए काम करेंगे उनको इस स्कीम के तहत इनक्रेज किया गया। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन में आप जानते हैं हमारे देश ने अनाज उगाया, जिससे कि हमारी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम हुई, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके। इनफैक्ट हम लोग ने एक्सपोर्ट किया उतना ही ग्रेन जितना हम पहले इम्पोर्ट करते थे। इनकम स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, भले ही किसान हो, भले ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, सबके इनकम स्टैंडर्ड्स बढ़ गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक अच्छा स्टेप था, जिससे फूड पे भी ध्यान दिया गया और गरीबी हटाने पे भी ध्यान दिया गया। तो ये एक स्टेप अच्छा था, हालांकि बहुत सारे प्रोग्रामों ने अच्छे से काम नहीं करा। इसके बाद कुछ दिक्कतें थीं, जैसे कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे बेनिफिशियरी को, तब तक कोई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन मुश्किल था। लीकेज बहुत होते थे, और क्यों होते थे, क्योंकि टॉप से डाउन अप्रोच थी। देखिए, ऊपर से मैंने कोई चीज़ छोड़ी और वो नीचे को जा रही है, 10 रुपये छोड़े तो इतना लीकेज हो जाता था कि नीचे जाते जाते सिर्फ 1 रुपये बचता था स्कीम के लिए, 1 रुपये में कैसे कोई स्कीम चल पाएगी। तो इस वजह से लीकेजेस बहुत थे, टॉप डाउन अप्रोच थी और करप्शन था, इससे इम्प्लीमेंटेशन में एरर्स हुए। फिर आया एक बड़ा बदलाव 1991 में, जब LPG रिफॉर्म्स आए, तब स्थिति में परिवर्तन आया। देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने फोकस करना शुरू किया पॉवर्टी पे, हंगर पे, जिसके तहत वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। कुछ स्कीम जो यहाँ की सरकार ने चलाई थी वो थी मिड डे मील, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अंत्योदय अन्न योजना। तो इन स्कीम्स के तहत
पॉवर्टी कम की, हंगर कम किया हम लोगों ने, और फाइनली ये स्कीम काम आई और अल्टीमेटली एक बड़ा स्ट्रोक मारा जाके मनरेगा में। मनरेगा क्या था? मनरेगा 2005 में आया था। ये जो स्कीम थी इसके तहत क्या 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया जाता था रूरल एरिया में, और वो भी अनस्किल्ड। अगर आप में स्किल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप आइए, आप सरकार का दिया हुआ काम करिए, आपको 100 दिन पैसे दिए जाएंगे, उस पैसे को आप अपने विकास में लगाएं, अपने परिवार के विकास में लगाएं, उससे आपकी पॉवर्टी कम होगी, उससे आप अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे, जिससे आपके बच्चे शक्तिशाली बनेंगे, उनको अच्छे से पोषण मिलेगा, स्टंटिंग वेस्टिंग नहीं होगी, ना बौने रहेंगे ना कमज़ोर रहेंगे, आगे जाके आपके लिए अच्छी इनकम कमा पाएंगे। तो ये सब जो है एक शुरू की गई एक छोटी सी पहल थी मनरेगा। और इसमें मैंने फैक्ट भी ले लिया एक, जो मेरी बात को प्रूव करता है कि भाई 1991 में जब पॉवर्टी की रेखा से नीचे लोग देखे गए तो 39% लोग थे, लेकिन वही चीज़ कम होके 21% आ गई थी जब 2001 में हमने चेक किया। तो यानी कि मनरेगा ने अच्छा काम किया है। अब वे फॉरवर्ड की बात करता हूँ मैं। देखिए, हालांकि कुछ लूप होल्स हैं, इनको भरना ज़रूरी है, और भरने के साथ मैंने दिया सल्यूशन जो मेरे क्वेश्चन का दूसरा भाग है। आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चलता है, जिसके तहत हम लोग 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये में अनाज बांटते हैं, गेहूं बांटते हैं, चावल बांटते हैं पीडीएस के थ्रू, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका करना ज़रूरी है अच्छे से। भाई कई बार क्या होता है, ये जो अनाज दिया जाता है इतने कम रेट पे, ये अनाज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लोग इसे खा के बीमार पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिया तो जाता है 10 किलो, सिर्फ 4-3 किलो बचता है आगे देने के लिए, क्योंकि लीकेजेस इतने हैं पीडीएस में। कई बार ज़्यादा पैसे मांगते हैं लोगों को अनाज देने के लिए, तो बहुत समस्याएं हैं, आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो ट्राइनिटी है इसका इस्तेमाल करें। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अब आपके पास आ चुका है, इससे आप सही से बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स जो आपका है उसको अच्छी शिक्षा दें, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अच्छी सर्विसेज दें, जिससे वो हेल्दी हो पाए, एजुकेटेड हो पाए और आगे जाके फ़ायदा दिला पाए देश को। उसके अलावा जो वल्नरेबल्स हैं, भले ही आप वुमेन मान लीजिए इसमें, एससी हैं, एसटी हैं, आप ओबीसी मान लीजिए, आप कोई माइनॉरिटीज़ मान लीजिए, ये सब के सब हम लोग वल्नरेबल में कंसिडर करते हैं। इनके विकास के लिए काम करिए, इनको सशक्त करिए, जिससे कि आपका देश सभी लोगों को लेके आगे बढ़ सके। और उसके बाद ये जो एक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, एक ऐसी बेसिक आय आपको मिलनी चाहिए। अगर ये काम है, मान लीजिए इस गड्ढे में आपको मिट्टी भरनी है, आपने इतना काम किया, तो भले ही कोई गरीब भरे, कोई अमीर भरे, कोई स्किल्ड भरे, कोई अनस्किल्ड भरे, लेकिन इस गड्ढे में मिट्टी भरने के 100 रुपये मिलेंगे तो उतने मिलने ही चाहिए, उससे नीचे नहीं मिल सकते। भले ही 1,000 लोग मौजूद हों काम करने के लिए, लेकिन जिसको भी आप इम्प्लॉय करें कम से कम उसको बेसिक इनकम दें 100 रुपये, जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए उतनी हो। इससे होगा क्या, आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था दोनों ही सुधरेंगी, आपके हालात सुधरेंगे, विकास होगा अच्छे से, आपको न्याय मिल पाएगा। और फाइनली जो हमारा 2 मुद्दे हैं, पॉवर्टी और हंगर, दोनों को ही हम कम करने में सफल हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो चाइना से रिलेटेड है, जो चीन का सवाल है, यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। अगर आप मेरे साथ इस लेक्चर सीरीज़ में बने रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने कितने सारे चाइना से संबंधित सवालों को टैकल किया, भले ही वो वन बेल्ट वन रोड हो, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, कितने सारे क्वेश्चन पूछे लगातार। 2013 से ये ट्रेंड चल रहा है और इस बार भी 2017 में ये ट्रेंड बरकरार है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो चाइना है वो अपने आर्थिक संबंधों की मदद से, और जो उसके पास भारी भरकम मात्रा में पैसा है, जो उसका ट्रेड का सरप्लस है, आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो चाइना के पास है। तो उसके पास जो ये भारी भरकम रुपया है और उसके जो इकोनॉमिक संबंध हैं, इन दोनों की मदद से चाइना कोशिश कर रहा है कि वो एशिया में अपनी मिलिट्री पावर एस्टैब्लिश कर पाए। अगर उसने ऐसा कर लिया तो भारत पे क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, कीवर्ड है इसमें डिस्कस, आपको बहुत एग्जॉस्टिव तौर पे विस्तार में बताना है लेकिन सटीक रहना है। और उसके बाद अगर सवाल को हम तोड़ें तो देखिए, सवाल टूट के 2 हिस्सों में सामने आता है। सबसे पहले, चाइना अपने आर्थिक संबंधों की मदद से और जो उसका ट्रेड सरप्लस है उसकी मदद से कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री पावर के तरह उभर के आए एशिया में। आपको डिस्कस करना है इसके भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे।
अप्रोच आपकी रहेगी, शुरुआत में आप चाइना का स्टैंड मेंशन करें कि भाई चाइना आज किस राह पे खड़ा है, इस विश्व के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वो कहाँ पे है। उसके अलावा उसके इनिशिएटिव्स पे बात करें, जैसे कि देखिए OBOR है एक इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड एक है, CPEC। तो जो CPEC है उसमें चाइना क्या कर रहा है, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है पाकिस्तान के पास, ये ऐसे जाते हुए चाइना से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। तो ये चाइना में एक आर्थिक विकास लाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो देखिए वो इकोनॉमिक रिलेशन तो बढ़ा ही रहा है। और वो सारे ये OBOR एक मैरिटाइम सिल्क रोड उसका है, तो ये सब कैसे कर रहा है, वो कर रहा है जब उसके पास पैसे हैं, और पैसे आ कहाँ से रहे हैं, उसके जो फॉरेक्स रिजर्व में है, उसके ट्रेड में जो सरप्लस रखा है उससे। तो इस तरीके से ये चाइना के आपने इनिशिएटिव लिखे, फिर बताएं कि इन इनिशिएटिव्स का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इनसे लड़ने के लिए। तो देखिए शुरू में मैंने बताया है कि चाइना जो है हाल ही में वन बेल्ट वन रोड और मैरीटाइम रोड पॉलिसी, दो पॉलिसीज अपना रहा है। इससे कर क्या रहा है, वो अपने आर्थिक संबंध और अपने राजनीतिक संबंध मैनेज कर रहा है सब तरफ। आप देखेंगे अगर OBOR की बात करूँ मैं और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करूँ, तो धीरे धीरे ये चित्तगोंग, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे अपने पोर्ट स्थापित कर रहा है। इससे कर क्या रहा है, ये भारत को घेर रहा है, ऊपर से CPEC निकल रहा है। चाइना भारत के चारों तरफ सारी चीज़ अपनी देख के भारत को टारगेट करके फिर विकास की राह चुन रहा है। अब जो चाइना का ये जो स्टैंड आ रहा है आपके सामने, ये पीसफुल नहीं है भाई। एक समय आप कह सकते थे कि चाइना बहुत पीसफुल तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। अब चाइना मिलिट्री डोमेन फैला रहा है अपना, तो ये मैंने बताया इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ बॉडी की। देखिए चाइना के रिजर्व्स पे मैंने बात की है, मैंने इनिशिएटिव्स पे बात की है। चाइना के दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व हैं, उसके अलावा मैंने बात की है ये फॉरेक्स रिजर्व को ही वो इस्तेमाल करता है अपनी डिप्लोमेसी फैलाने में। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके जो पास फॉरेक्स है उससे आ रहा है। उसके अलावा OBOR है, आपको पता है वन बेल्ट वन रोड, इसके तहत क्या कर रहा है, वो पोर्ट्स बिल्डअप कर रहा है, मिलिट्री बेसिस बिल्डअप कर रहा है बहुत सारे एशियन नेशंस में और अफ्रीकन नेशंस में। उसके अलावा CPEC है एक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत की सोवेरेनिटी पे एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है। क्यों, क्योंकि ये भारत के जो POK वाला हिस्सा है उससे गुजरता है, गिलगित बाल्टिस्तान को ये टारगेट करता है, वहाँ से निकलता है, तो भारत की सोवेरेनिटी पे एक सवालिया निशान बन जाता है ये। उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना परसू कर रहा है। उसके अलावा जिबूती है एक, जो कि अफ्रीका के हॉर्न के पास है, तो वो जिबूती जो है वहाँ पे भी चाइना की प्रेजेंस अब बढ़ रही है। उसके अलावा आप देखें तो साउथ चाइना सी में भी चाइना ये बता रहा है कि 9-line के तहत जो भी उसके अंदर है वो उसका है। 9-line के बारे में आपको आइडिया होगा, मैंने अपने पुराने वीडियो में आपके साथ बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की है। तो भाई ये चाइना के इनिशिएटिव्स हैं, ये मैंने कुछ गिने चुने इनिशिएटिव्स यहाँ पे जोड़े हैं। आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे बातें ऐड अप कर सकते हैं, जैसे कि अभी डोकलाम का जो मुद्दा हुआ था उसके बारे में बात कर सकते हैं, मसूद अजहर के बारे में बात कर सकते हैं, 1267 रेजोल्यूशन के तहत जो चाइना का स्टैंड था। अब बात करते हैं भारत पे क्या इम्प्लीकेशंस है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि भाई SAARC की एक मीटिंग होने वाली थी इस्लामाबाद में, लेकिन उसी दौरान 2016 के आसपास दो अटैक्स हुए, एक था उरी अटैक और दूसरा था हमारा पठानकोट अटैक। इन दोनों के चलते भारत ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। भारत को देखते देखते भूटान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, बहुत सारे नेशंस ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या दिखा रही हैं, ये दिखा रही हैं कि भाई SAARC जो है उसका स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और दूसरी बात, अब देखिए जो OBOR चल रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चल रहा है, उसमें रशिया भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। और रशिया जो है भारत का एक नेचुरल दोस्त है, एक नेचुरल अलाय है। अगर रशिया इस तरफ मुड़ गया तो समस्या भारत के लिए हो सकती है। और दूसरी बात, भारत भी भाई उल्टा काम कर रहा है, वो प्रो US का स्टैंड ले रहा है, वो US की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है। और रशिया और US कोल्ड वॉर से ही एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, तो रशिया को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। उसके बाद मैं बात करूँ तो CPEC की बात करता हूँ। देखिए CPEC ये निकल रहा है, ये भारत है, ये भारत का POK वाला हिस्सा है, तो ये कश्मीर से जो ग्वादर जा रहा है CPEC, ये भारत के POK से, गिलगित बाल्टिस्तान से निकल रहा है, तो हमारी सोवेरेनिटी पे ये खतरे का निशान की तरह उभर के आता है।
भारत ने क्या स्टेप्स लिए, सागरमाला प्रोजेक्ट, मौसम प्रोजेक्ट, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, उसके अलावा हमने कुछ एक्सरसाइज किए हैं जैसे कि मालाबार न्यू ग्रोथ कॉरिडोर जापान के साथ किए जो हमने, हम लोग गुजराल डॉक्ट्रिन को लगातार फॉलो करते हैं, देखिए गुजराल डॉक्ट्रिन भी हमने अपने पुराने वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में पता होगा, और नहीं मालूम तो प्लीज़ पुराने वीडियोज़ देखें, आपको इस चीज़ की आइडिया लग जाएगा। तो ये इंडिया के स्टेप्स हैं। अब देखिए चाइना की जो चीज़ें हैं वो मैंने एक मैप के थ्रू यहाँ आपको समझाई है। यहाँ पे देखिए ये जो है हरा वाला, ये उसका है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये ज़मीनी हिस्से से जा रहा है, एक रोड बना रहा है पूरे उस रूट पे जो पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। और वहीं पे अगर मैं इसको पानी से ले जाऊँ तो देखिए नीला वाला हिस्सा पूरा ये दिखाता है पानी से जो सिल्क रूट जा रहा है। उसके अलावा तो देखिए इसने दोनों तरफ से भारत को घेरा है, और तीसरी तरफ से जो सीपेक चालू किया है इसने भी भारत को घेरा है। चाइना का पूरा इनिशिएटिव यही है कि कैसे भारत को घेर लिया जाए, कैसे भारत के चारों तरफ अपनी मिलिट्री माइट एस्टैब्लिश की जाए।